नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं निधि पोखरियाल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। इस समय देश में शोक का माहौल बना हुआ है। उन्हें पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इसमें पीछे नहीं है। बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चलते हैं इन ट्वीट्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड की बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक महान नेता, प्रख्यात कवि, अद्भुत वक्ता व प्रवक्ता, मिलनसार व्यक्तित्व, बाबूजी के प्रशंसक और बाबूजी उनके। बाबूजी से उनका तात्पर्य है हरिवंश राय बच्चन। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की, जिन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि कैसे वो अपने पिताजी के साथ अटल जी के भाषण सुना करते थे। वो उनके पोएम्स, उनकी फिल्म्स और उनके पॉलिटिकल किस्सों के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम एंड स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम डिस्कसिंग पोएट्री, फिल्म्स, पॉलिटिक्स एंड आवर एलिंगनेस। इसके बाद रणदीप हुडा ने अटल जी की ही एक पोएम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। उन्होंने लिखा है कि मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूंछ से क्यों डरूं। इसके बाद बोमन ईरानी लिखते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को पाना और ऐसे रिस्पेक्ट पाना बहुत मुश्किल काम होता है और अटल जी उन्हीं में से एक हैं। It's rare to find love and respect across the entire political spectrum. Atalji was the rarest of all of them. इसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका ने लिखा, former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee's visionary ideas and contribution for India were truly remarkable. The nation will always remember. इसके बाद फरहान अख्तर ने लिखा, you will be remembered as one of the India's greatest leaders. As an exemplary statesman, as a tour de force for peace and unity, and most of all, as a genuine, warm, approachable human being. तो देखा आपने किस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अटल जी को अपने ट्वीट्स के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। देखते रहिए वीके न्यूज़।